हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, लक्ष्य क्लासेज के चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज लेकर आ रहे हैं कुछ चर्चा पे बात करने वाले, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थियों की बोर्ड परीक्षा आने वाली है, 4 तारीख से उनके बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो इस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए मैं मेरे साथी राहुल सर, मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट को बुलाना चाहूंगा। राहुल सर स्वागत है आपका लक्ष्य क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। राहुल सर का बहुत जोरदार स्वागत। जी सर नमस्कार। दोस्तों आज जैसे कि डीके सर ने पहले बता दिया कि हम लोग चर्चा करने वाले हैं वोर्ड क्लास के, अभी एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 4 तारीख से, 12th के स्टार्ट होने वाले हो और 10th के 7 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं। देखो होता क्या है, अभी तक पूरी साल हम लोगों ने पढ़ाई की, अब उस पढ़ाई को कैसे उतारना है, वन डे होता है, एक सब्जेक्ट को आपको एक ही दिन मिलेगा, 3 घंटे में आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है उन सारी चीज़ों पर चर्चाएं करनी है। बोर्ड एग्जाम का कितना महत्व है आपकी लाइफ में, वो सारी चीज़ें चर्चा करते हैं। देखते हैं डीके सर के दिमाग में क्या क्वेश्चन चल रहे हैं, उन क्वेश्चन से रूबरू कराते हैं, आपको जवाब देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो राहुल सर मेरा ये है कि जैसे बोर्ड एग्जाम के विद्यार्थियों के एग्जाम स्टार्ट है 4 तारीख से, 4 तारीख को पहला पेपर इंग्लिश का है, उसके बाद में इनकी कुछ गैप है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे गैप में 4 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, तो अभी बच्चे क्या कर रहे हैं, केवल इंग्लिश पढ़ रहे हैं, और बाद में जैसे 27 मार्च को केमिस्ट्री का पेपर है, तो इन गैप्स में क्या सभी सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ना चाहिए या केवल एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर ही फोकस करना चाहिए? जी सर देखो देव किशन जी सर, मेन चक्कर क्या है, अभी तक अपन ने पूरी साल पढ़ाई की, पूरी साल पढ़ाई करने के बाद अब जो ये जो टाइम है जब से बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होते हैं यहाँ से आपका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, तो अभी मान लो 4 तारीख को आपका इंग्लिश का एग्जाम है, तो अब आज आपकी 2 तारीख हो गई है, जहां तक कि जितने भी अच्छी जिन्होंने तैयारी कर रखी है उन्होंने लगभग 1 तारीख से 3 दिन तो एक सब्जेक्ट को सफिशियंट होता है देने के लिए अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। तो मेरा कहना यही है कि अब ये जो बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं जिस सब्जेक्ट का एग्जाम है उस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ो। देखो मेन क्या होता है, जैसे आप इंग्लिश का पेपर देके आए 4 तारीख को देके आए, उस दिन क्या आप रिलैक्स फील करते हैं, ऐसे लगता है नहीं हमारे एग्जाम खत्म हो गए, नहीं अभी आपके एग्जाम खत्म नहीं हुए, जब तक आपका लास्ट एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपके एग्जाम खत्म नहीं हुए, आप आओ थोड़ा बहुत रेस्ट करो और कोशिश करो कि उसी दिन शाम को नाइट में आप उसका 30% 20% अगले एग्जाम का जो भी आपका अगला एग्जाम है उसका 30% 20% उसी दिन आप खत्म कर दो, ताकि आपका रिलैक्स आगे आप फील करोगे और आपका जो प्रेशर होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो मेरा मानना यही है कि सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ो, आप जो भी आपने पढ़ लिया है पहले सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए हैं, 3 दिन लगभग हर एक पेपर में 3-3 दिन का गैप है, 3 दिन मोर देन सफिशियंट होते हैं अगर आप सही तरीके से उसको यूटिलाइज करते हो तो। राहुल सर एक और क्वेश्चन है कि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखा है कि पेपर देने से पहले बहुत ज़्यादा हेजिटेट रहते हैं, वो घबराहट रहते हैं, उनमें एक टेंशन रहती है कि बोर्ड परीक्षा है क्या पता क्या होगा, पेपर कैसा आने वाला है, तो इसके लिए भी थोड़ा बच्चों को आप मोटिवेट करो। देखो सर होता क्या है, बिल्कुल सही है, जो अपन ने एक साल तक जब अपन किसी जर्नी स्टार्ट करते हो जर्नी के अकॉर्डिंग अपन मेहनत करते हैं तो प्रेशर तो होता ही है और होना चाहिए, लेकिन ये जो 12th है बेटा ये है लेकिन ये आपकी लाइफ पूरी लाइफ नहीं है, आप सोचो नहीं अगर 12th में अच्छा नहीं कर पाया मेरी लाइफ खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है, लाइफ खत्म नहीं होगी, 12th जो है आपका अगर देखा जाए पूरी लाइफ का 1/100 पार्ट है ये, और 1/100 पार्ट देखने में बहुत छोटा पार्ट है, 1/100 का मतलब है 0.99 आपका है, लेकिन ये 0.99 मान लो 1% एक, जैसे कहीं आप किसी शॉप पे जाते हो वहां पे 399 लिख देते हैं या सिर्फ 99 लिख देते हैं, 99 से लोगों की मेंटेलिटी क्या हो जाती है, बिल्कुल चेंज हो जाती है, 100 की तरफ नहीं सोचते, ऐसे लगता है अरे ये तो हमें 90 में मिल रहा है 90 में मिल रहा है, तो वो भले ही 1% कम हुआ है लेकिन क्या है मेंटेलिटी लोगों की चेंज हो जाती है, ऐसे ही बोर्ड एग्जाम का है, भले ही आपकी लाइफ में 1% का रोल है लेकिन जब ये 1% 99 में मिलता है तो लोगों की मेंटेलिटी चेंज कर देता है, ये 100 की तरफ ले जाता है, तो ये आपका जो भी बोर्ड एग्जाम है ये लाइफ में बहुत कुछ आपको दिखाने वाला है, बहुत कुछ आपको मोटिवेट करने वाला है, क्योंकि जिस दिन रिजल्ट आता है उस दिन से लेके जब तक आपकी जर्नी खत्म नहीं होती है नेक्स्ट जो भी आप करना चाहते हो तब तक इस बोर्ड एग्जाम का क्या रहता है मोटिवेशन आपके अंदर रहता है, क्योंकि ये जो चीज है जहां आप एडमिशन लोगे जाके कहीं पे भी आप कॉलेज में एडमिशन लोगे तो ये एज ए आपको सामने वाले टीचर को जो भी टीचर आपकी क्लास में आएगा वो आपकी परसेंटेज देख के आपकी एक इमेज अपने दिमाग में अलग बना लेगा, कोई भी क्वेश्चन हुआ आपसे पहले क्वेश्चन करने की कोशिश करेगा और आप मजबूर हो जाओगे उस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए अगर एक आप अच्छी परसेंटेज लेके आप अच्छी जगह जाते हो तो, लोगों की मेंटेलिटी चेंज हो जाती है आपके प्रति उम्मीद अच्छी खासी हो जाती है, उस उम्मीद के लिए आपको मजबूर हो जाते हो आप मेहनत करने के लिए, तो ये एक जरिया है, ये एक क्या है
आपके लिए एक मोटिवेशन है कि आप 12th क्लास में एक शानदार परसेंटेज लेके आओ, ताकि आगे चल के लोगों की मेंटेलिटी अपने लिए चेंज कर दो, और एक मोटिवेशन आपको प्रोवाइड हो जाएगा। वो मोटिवेशन जब तक आपकी जर्नी खत्म नहीं होगी तब तक ये मोटिवेशन हमेशा आपके साथ रहेगा। लोगों की एक्सपेक्टेशंस आपके लिए होंगी, आपके ऊपर होंगी, और आप उस पर खरा उतरना ही पड़ेगा आपको, आप मजबूर हो जाओगे। जब किसी चीज से एक भिखारी, आपने देखा है कभी कोई भिखारी होता है आपको सबसे पहले मांगे भैया 5 रुपए दे दो, 10 रुपए दे दो, आप पहले उसको निग्लेक्ट करोगे, लेकिन जब वो मांग के ही रह जाता है ना, आपके पीछे ही पड़के रह जाता है, तो आप मजबूर हो जाते हो 10 रुपए देने के लिए, चाहे आपके पास हो या नहीं हो। सेम सिचुएशन यहां पे है, जब आप 95% 92% 93% लेके किसी कॉलेज में गए, तो सामने वाले टीचर्स की और आपके पेरेंट्स की एक उम्मीद हो जाती है आपके लिए कि नहीं ये अच्छा करेगा, जो भी हम बोलेंगे उसका जवाब देगा। तो आप भले ही स्टार्टिंग में आप बिल्कुल एकदम रिलैक्स फील करो, और स्टार्टिंग में जाके आपका बिल्कुल पढ़ाई का मन नहीं है, लेकिन ये जो परसेंटेज है ये आपको क्या धक्का देके मजबूर कर देगी कि भाई साहब पढ़ो आप, क्योंकि आपके लिए सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल सर आपका। लेकिन राहुल सर एक आखिरी क्वेश्चन है कि जैसा आप जानते हो कि लक्ष्य क्लासेज की टीम ने पूरे साल जमकर मेहनत की है, बच्चों ने भी जमकर मेहनत की है, तो लक्ष्य क्लासेज की जो पूरी टीम है वो अपने स्टूडेंट से भी बहुत पूरी होप रखते हैं, और उनके लिए क्या बेस्ट विशेज रहेगी आपकी, आप उनको बेस्ट विशेज? देखो हमारा सारे स्टूडेंट से यही कहना है, पूरी साल आपने बहुत अच्छी मेहनत की, और लक्ष्य क्लासेस की जो भी टीम है उसने बहुत अच्छी मेहनत की, ऑफलाइन ऑनलाइन 1-to-1 बच्चे से कनेक्ट होना, उनको उनके डाउट सारे क्लियर करना। अब जो मेन है, जो आप रथ जो मतलब युद्ध में जो उतर रहे हो वो आप उतर रहे हो, स्टार्टिंग में आपको सारे युद्ध के सारे गुण बता दिए गए, सारे आपकी सारी चीजें बता दी गई, अब आपको उतरना है, पेन पेंसिल लेके आपको युद्ध में उतरना है, तो वहां पे सब कुछ आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, अपने दिमाग के अकॉर्डिंग करोगे। मेन चीज क्या, कभी भी मेरा एक कहना है सारे स्टूडेंट्स से, कभी भी कोई क्वेश्चन आपको, जितने भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मान लो आपका इंग्लिश का पेपर है, इंग्लिश में आपको मान लो 10 क्वेश्चन है, 10 में से 5 बहुत अच्छे से आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप उनको लिखने की कोशिश करो, देन अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, तो उसको भी कैसे भी करके आप उसको लिखने की कोशिश करो, कोई भी क्वेश्चन खाली छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि खाली अगर छोड़ दिया तो आप वहीं पे हो गए कि हां आप 3 नंबर का आपने छोड़ दिया, तो 3 नंबर तो आपके वहीं डिडक्ट हो गए, वहीं आपके कट गए। लेकिन अगर आप कुछ ना कुछ कोशिश करके अगर उस 2 नंबर 3 नंबर का कुछ भी कुछ ना कुछ लिख के आओगे, तो आपको उसमें मार्क्स, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ नहीं से तो कुछ तो अच्छा है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का पेपर हो। बाकी राइटिंग अच्छी लिखनी है, और सारी चीजें आपको तो पूरी साल हम लोग बताते आए हैं, उस चीजों का आपको ध्यान रखना ही है, और आगे चल के आप अच्छा अपना परिणाम हासिल करेंगे। तो लक्ष्य क्लासेज की टीम से, लक्ष्य क्लासेज से जुड़े हुए सभी 12th क्लास के बच्चों को बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और उम्मीद करते हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम में बढ़िया रिजल्ट के साथ बढ़िया बढ़िया रिजल्ट बनाओगे, और आप लक्ष्य क्लासेज का नाम करोगे, साथ में अपना खुद का भी नाम बनाओगे, और पूरे अपने पेरेंट्स का नाम ऊंचा करोगे। लेकिन लक्ष्य क्लासेज की टीम आपके लिए, जो 12th के बाद में सीयूटी का एग्जाम होता है, एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट होते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट होते हैं, जेट ICAR एग्जाम होता है, उनके भी लिए जो स्पेशल क्लासेज है वो कंडक्ट करना जा रही है, तो लक्ष्य राहुल सर से, राहुल सर बताएंगे आपको कि आपका कब से बैच स्टार्ट हो रहा है, कब से आपको वापस 12th के बाद में जैसे बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होते हैं अपने नेक्स्ट टारगेट की ओर जाना है, तो राहुल सर बताइए। जी सर, डीके सर, बिल्कुल मेन मुद्दे की बात आपने की है, क्योंकि सिर्फ 12th करने के बाद आप सोचो आपकी जर्नी खत्म हो गई है, नहीं, आप 95% बना के घर पे बैठ जाओगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और आजकल तो ये ट्रेंड हो गया है भाई साहब, मेन चक्कर क्या है कि अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, आज से 2-3 साल पहले क्या होता था, परसेंटेज बेसिस पे आपके क्या होते थे, एडमिशन होते थे अच्छे कॉलेजों में, बहुत सारी ऑल ओवर इंडिया में अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, वो सारे के सारे क्या है, जो यूनिवर्सिटी होती थी वो आपको 12th की परसेंटेज बेसिस पे आगे आपको क्या दाखिला देती थी। लेकिन आजकल क्या पूरा सिस्टम चेंज कर दिया गया, जैसे कि IIT मेंस जेट इन सब के एग्जाम लेके वो कॉलेज में एंट्री देते हैं, ऐसे BSc के लिए भी एक एग्जाम आ गया जिसका नाम है CUT, जिसके फॉर्म स्टार्ट हो गए और 26 तारीख उसकी लास्ट डेट है। तो आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग उसका फॉर्म जरूर भरें, क्योंकि अगर आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, मतलब अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, तो आप आगे की जर्नी अपनी तय कैसे करोगे। मेन जो होता है, आप कितने भी मेहनती हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको एक अच्छे इन्वायरमेंट, एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत बहुत पड़ती है। अगर वो आपके साथ में नहीं है, वो आपके पास नहीं है, तो आप चाह के भी मेहनत नहीं कर सकते हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल आपको नींद आ रही है, आपको एक अच्छी नींद निकालनी है, और आपको कहीं DJ साउंड चल रहा है, वहां पे आपको बोला जाए कि यहाँ पे आप सो लो, तो आप नहीं सो सकते। ऐसे
सेम ये क्या है आपका एजुकेशन में अप्लाई होता है। अगर एक इतना घटिया कॉलेज है जहाँ पे 90% लोग उठाई गिरे टाइप के हैं, 10% लोग में 2-4% केवल सोचते अपने फ्यूचर के बारे में, बाकी हो वही बड़े बाप की औलाद है, तो ऐसी जगह अगर आप फंस गए जाके तो आपका कैरियर चौपट हो जाएगा। क्योंकि आप भले ही बहुत अच्छे स्टूडेंट हो, आपने परसेंटेज बहुत अच्छी ली और आगे चल के आप बहुत कुछ बड़ा करना चाहते हो, लेकिन वो 90% जो लोग हैं उठाई गिरे टाइप के, वो आपको बर्बाद कर देंगे और आपका कैरियर चौपट हो जाएगा। 4 साल आपके बर्बाद हो जाएंगे लाइफ के और आप कुछ नहीं कर पाओगे। उसमें जो मेन भूमिका निभाता है वो 12th के बाद आपकी जर्नी स्टार्ट होती है। 1 अप्रैल से लक्ष्य क्लासेस देवली आपका लेके आ रहे हैं। CUT की ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों क्लासेस, ऐसे JET की ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों क्लासेस लेके आ रहे हैं। नीट का फॉर्म आप लोग भर दो, उसकी लास्ट डेट शायद आप देख लेना 9 तारीख है, 9 मार्च उसकी लास्ट डेट है, उसका फॉर्म भर दो। हो सकता है कि आप बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर पाओ, लेकिन एक एक्सपीरियंस, एक तजुर्बा जरूर होगा आपको एग्जाम देने का। तो मेरा कहना यही है, अगर आप पहले तो बोर्ड एग्जाम पे फुल फोकस करिए, अभी CUT, JET और नीट, IIT ये सब कुछ साइड में रख दीजिए, आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम और ये सारे के सारे एंट्रेंस एग्जाम्स बिल्कुल अलग हैं, डिफरेंट हैं। इनके बारे में आपको सोचना है जिस दिन आपका लास्ट एग्जाम हो, उसके एक दिन रिलैक्स करके उसके बाद आपको सोचना है कहाँ पे एडमिशन लेना है, कहाँ पे नहीं लेना है। और मेन चक्कर क्या है, आपके लिए लेके आया है लक्ष्य क्लासेस देवली, यहीं आप के देवली में। हमारा कहना है आसपास के जितने भी स्टूडेंट हैं उनसे कहना है कि एक बार जुड़िए, और 1-2 महीने का लगभग सफिशिएंट टाइम होता है, उस टाइम में हम आपको वो चीजें प्रोवाइड कराएंगे जो चीजें रियल में उसके लिए आपके लिए बेनिफिशियल होंगी, आपके जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके लिए बेनिफिशियल होंगी। आपको एक चीज तो मैंने बता दी कि जब तक आपके पास प्लेटफॉर्म अच्छा नहीं है तब तक आप कुछ भी जर्नी अपनी तय नहीं कर सकते हो। यहां से मान लो देवली से आपको जयपुर जाना है और जयपुर आप ऐसी खटारा बस में चल गए या ऐसे किसी में चल गए तो आपको टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। हो सकता है आप टाइम पे नहीं पहुंचो जब आपको पहुंचना है तब। अगर आपके पास गाड़ी अच्छी है, आपके पास ड्राइवर अच्छे है, तो आपको पहुंचाने में बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगी और आप अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक पहुंच जाओगे। तो वो ड्राइवर वो हम लोग बनने वाले हैं आपके 1 अप्रैल से, और वो गाड़ी जो बनने वाली है वो लक्ष्य क्लासेस देवली बनने वाली है। तो आप लोग आइए, जैसे ही आपके एग्जाम खत्म हो आप आइए, यहाँ पे मोस्ट वेलकम है आपका, और आप आगे की जर्नी स्टार्ट करिए हम लोग आपके साथ में। तो बच्चों CUT के एग्जाम फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं और 26 मार्च उसकी लास्ट डेट है। तो आप CUT के बारे में बेहतर जानकारी लेने के लिए एक बार, अगर लोकल स्टूडेंट हो तो लक्ष्य क्लासेज का जो हेड ऑफिस है वहां पर आकर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको बताना चाहता हूं कि लक्ष्य क्लासेज की जो टीम है वो 1 अप्रैल से बैच स्टार्ट कर रही है, स्पेशल बैच है CUT का और JET का बैच स्टार्ट है। तो आप यहां से जुड़िए, अगर जिसको यहां ऑफिस के बारे में पता नहीं है तो वो कांटेक्ट कर सकता है 9461204607 कॉन्टैक्ट नंबर है, इन पर आप कॉल करके आप CUT के बारे में और JET के बारे में और भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। और लास्ट हम लोगों का आप लोगों से कहना है कि आप अच्छे से पेपर दीजिए, हमारी गुड विशेस आपके साथ में, और अपने आप पे बिलीव रखिए, क्योंकि आपने अब तक जो भी है ना बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छी आपने पूरी साल मेहनत की। आप अपने आप पे बिलीव रखिए और आप मैदान में उतर जाइए, आप सबसे बेस्ट करोगे, आप जितना सोचते हो उससे ऊपर करोगे। पेपर का लेवल इतना ज़्यादा नहीं आता है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पहले ही मैंने बोल दिया गया 12th क्लास बहुत कुछ है, जैसे कि 99 और 100 में अंतर है, उस तरीके से भले ही वो एक है 99 को 100 बना देता है, वैसे ही आपकी लाइफ को चमका देगा, 100 बना देगा। तो आपको परसेंटेज जितनी मैक्सिमम बना सकते हो, जितनी मेहनत कर सकते हो, अपने आप को दिन रात एक कर दो, क्योंकि ये कुछ ही टाइम है, ये आपके 20-25 दिन है, ये आपकी लाइफ की आगे की जितनी भी जर्नी है पूरी डिसाइड इन्हीं 25-26 दिन पे आपकी डिसाइड होने वाली है, इन्हीं पे निर्भर है। तो आपको जी जान लगा देना है। और खासकर एक उन लोगों से भी मेरा कहना है, उन स्टूडेंट से कहना है, बहुत सारे लोग क्या है सर कि पूरे साल वो पढ़ाई नहीं करते, वो फिर इस टाइम पे आके उनको ऐसे लगता है अब मैं कैसे कर पाऊंगा। अरे बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है, ये 26-25 दिन जो भी आपके पास है ये सफिशियंट है। एक चीज मैंने अभी बोली थी कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब कि अगर आप कुछ भी नहीं करोगे ना उससे कुछ करो वो तो अच्छा है ना। तो ऐसा तो नहीं आप बिल्कुल ही हथियार छोड़ दोगे तो आपके पास कुछ भी हाथ नहीं आने वाला है। जैसे कि टेस्ट मैच होता है, आप सोचोगे नहीं रन भी नहीं बन रहे हैं और अपन खड़े खड़े भी यहाँ पे क्या कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर टेस्ट मैच के बारे में पता है ना तो वहां पे खड़ा होना ही, टिकना ही एक बहुत बड़ी बात होती है। कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसी बॉल तो आएगी कि आप चौका छक्का लगा दोगे, अदरवाइज इतना तो कर ही दोगे कि टीम को एक स्टैंड तो दे ही दोगे। तो हमारा कहना यही है कि अगर अभी तक भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने नई पढ़ाई की है, जिन्होंने की है उनके लिए तो ये गोल्डन चांस है, ये गोल्डन डे है, ये काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा, हो गया है 1 तारीख से।
जम के मेहनत करो, और जिन्होंने अभी बिल्कुल नहीं की है या अब स्टार्ट करने वाले हैं तो उनके लिए भी टाइम कम नहीं है। केवल आपके अंदर देखो बेटा होता क्या है, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे को देखा जाए 25 दिन में कितने घंटे हो गए। अगर उनको अगर सही से यूटिलाइज कर लो, अगर एक साल में आप 2-2 घंटे पढ़ रहे हो तो देख लो 365 × 2 कितने होते हैं, और वही अगर 24 घंटे में आप 15 घंटे पढ़ रहे हो और 25 दिन पढ़ रहे हो तो ये भी आपका एवरेज कम नहीं निकलेगा, बहुत कुछ ज्यादा निकलने वाला है। तो यही है बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो, जम के मेहनत करो, परसेंटेज फोड़ दो, घर वालों का नाम रोशन करो, कोचिंग वालों को करो और आगे अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक ऑल स्टूडेंट। लक्ष्य क्लासेज की तरफ से 12th क्लास के बोर्ड विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई, बेस्ट ऑफ लक। और 1 अप्रैल से लक्ष्य क्लासेज CUET का और JET का बैच स्टार्ट करने जा रही है। आप जुड़िए, हेड ऑफिस पे आइए और कॉन्टेक्ट कीजिए। और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप यहां आ सकते हो, आपको यहां के जो टीचर्स है वो सारी बात बता देंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।